नवरात्रि का शुभ पर्व चल रहा है और हर कोई अपने अपने तरीके से माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। हम पूरे मन से भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और खुश खुश हैं। हम सब चाहते हैं कि माता रानी हमें आशीर्वाद दें और हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भर जाए। पर कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें माता रानी स्वयं संकेत देती हैं कि वो उनके घर में आ गई हैं और अब अगला पूरा साल उनका बहुत खुशी से सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ गुजरेगा। ये कुछ खास संकेत हैं जो माता रानी आखिरी के 3 दिनों में यानी कि सप्तमी, अष्टमी और नौमी वाले दिन देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से संकेत हैं जो माता रानी आखिरी के 3 दिनों में देती हैं और अगर आपको उनमें से कोई भी एक संकेत अपने सामने या सपने में दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि माता रानी आप पे प्रसन्न हैं और अगला पूरा साल आपका सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। तो आइए देखें। मगर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। माता रानी की पूजा पाठ करने के लिए हम सब ने अपने घर में कलश स्थापित किया है। कलश के साथ जो आपने जौ बोया है उसका श्वेत यानी कि सफेद या हरे रंग में उगना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपको संकेत दे रही हैं कि वो आपसे अति प्रसन्न है और आपका अगला पूरा साल बहुत ही सुख समृद्धि से बीतेगा। इसी तरह अष्टमी, नौमी या दसवीं वाले दिन पूजा करते वक्त, हवन करते वक्त आपके घर में, मंदिर में या जहां पर भी आप पूजा कर रहे हो वहां पर आपके पास माता रानी के हाथ से या गले से कोई फूल आकर गिर जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये संकेत है कि माता रानी आप पे प्रसन्न है और अपना आशीर्वाद आपको दे रही है। उस फूल को अपने पास उठाकर रख लें और फिर पूरे साल उसे अपने पास ही एक लाल कपड़े में बांध कर अपने पर्स में या तिजोरी में रख दें। माँ का आशीर्वाद आप पे सदैव के लिए बना रहेगा। शाम के समय पूजा करते वक्त या पूजा करने के बाद, शाम ढल जाने के बाद या शाम के समय अगर आपको गाय की आवाज सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपको संकेत दे रही हैं कि वो आपके घर में पधारी हैं और आपका घर अब सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। अगर नवरात्रि के दौरान पंडाल में, मंदिर में या कहीं पर भी आपको छोटी कन्या एक सिक्का दे या सपने में भी अगर आपको एक छोटी कन्या सिक्का दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ की आप पर विशेष कृपा है और वो आपके घर को धन धान सुख समृद्धि से भर देंगी। सपने में या साक्ष में कंजिका को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये माँ का संकेत माना जाता है। नाग को या सांप को सपने में देखकर हम सब डर जाते हैं, लेकिन अगर नवरात्रि के दौरान या आखिरी के 3 दिनों में विशेषकर आपने सांप को एक जगह बैठे हुए सपने में देखा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि आपका घर सुख समृद्धि और संपन्नता से भर जाएगा। इसके साथ साथ सुहागन स्त्री, नारियल या माँ को सपने में देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ की आप पर विशेष कृपा है और अब आपका अगला पूरा साल सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। तो ये हैं कुछ बहुत ही शुभ संकेत जो शास्त्रों के अनुसार माँ देती हैं आखिरी के 3 दिनों में। और माँ को धन्यवाद दें और उनके स्वागत की तैयारी करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा।